गाइस हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब क्या चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड देखो मैं आप लोगों को सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, मेरा चैनल बहुत ज्यादा डेंजर में है एंड आप लोगों के व्यूज एकदम से कम हो गए हैं। ये सेकंड टाइम मेरा चैनल जो है ना डूब रहा है, ठीक है, तो ऐसा ना करें। और मैं हर एक चीज जो है ना यहाँ पर नहीं बताना चाह रही हूँ कि क्या वजह है मेरे चैनल को जो है ना ऐसा क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। एंड सेकेंड टाइम मतलब ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम में जो है ना ऑलरेडी मैंने रिएक्शंस देना बंद किए थे, बट आप लोग का इतना ज्यादा था कि नहीं दो दो दो, अब मैं दे रही हूँ तो आप लोग इस तरीके से ऐसा कर रहे हो तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। एंड सीरियसली बोल तो मुझे कम से कम 2-2.5 साल हो गए रिएक्शंस देते हुए, और मेरे पहले इतने अच्छे व्यूज थे आप लोग जाकर देख सकते हो, और अभी कैसे व्यूज हो रहे हैं तो मुझे नहीं पता कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट करती हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो हाँ जी, राउंड टू हेल की वीडियो है। अगर आप लोगों ने थगेश का शो नहीं देखा है, थगेश के शो में जो है आए थे राउंड टू हेल की टीम, और उसका रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। उसका आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, या आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन से याद आया कि आई बटन में बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, उसको भी जाकर चेकआउट कर लिया करो। एंड ये बिहाइंड द सीन्स है, तो चलो जी ये देखते हैं हम लोग। बिहाइंड द सीन्स मतलब ट्रोल किया हुआ है, ऐसा सब टाइटल आप लोगों ने रीड तो कर ही लिया है। तो हाँ जी, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कमेंट करके बताने की किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैंने अभी शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू कर दिए हैं, मिनी व्लॉग्स, और मेरे बारे में जानना है तो वहां पर चले जाओ। और ये चैनल को कुछ हो गया तो मैं एटलीस्ट वहां पर अपडेट तो भी दे पाऊंगी, ठीक है। तो वहां पर जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राउंड टू हेल वाला एपिसोड देख के आ रहे हो आप लोग, तो वेलकम टू आफ्टर पार्टी, जहां पर हम एपिसोड के बाद डिलीटेड सीन्स और व्लॉग शेयर करते हैं आपके साथ एंड कमेंट्स भी रीड करते हैं आपके। पता है नाजिम भाई का वियर्ड फैन एक्सपीरियंस क्या था? वसीम भाई अलादीन क्यों बने? सेन भाई को घर के बाहर क्यों निकाल दिया था? शूटिंग के दौरान इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये सब वीडियो में नहीं था, डिलीटेड था, पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के वीडियो में। बेसिकली एपिसोड पार्ट टू हो गया एंड वीडियो में थग टॉक्स में गेस्ट के अलावा मेरी भी एक थग लाइफ थी। मैं हमारे जो स्टूडियो में ऑडियंस बैठती है उनका सजेशन लेता हूँ, लेकिन नहीं भी लिया। वसीम, नाजिम या जैन भाई, आप वोट करो कौन। देखो मैं पर्सनली ऑडियंस की नहीं सुनूंगा। जैन भाई को घर के बाहर क्यों निकाला? जैन भाई आपके घर पे पहले पता नहीं था YouTube का, निकाल दिया था ना घर से। पहले किसी को भी नहीं पता था YouTube का हमारी तरफ, घर पे क्या कहीं नहीं पता था हमारी तरफ। तो जब पता चला तो एक वीडियो देखी उन्होंने, उसमें गाली थी, गाली भी नहीं थी वो, उसमें था तेरी बहन का कुत्ता कार्टून। तो उस पे घर वालों को ये लगा कि मैं बहुत गालियां दे रहा हूँ, मतलब लोगों ने उनको चढ़ा दिया, उन्हें लगा मैं जोनी सिंस बनने के लिए निकल चुका हूँ। कहा उन्होंने, ये कहा कि ये घर वालों से, बाहर वालों ने कहा कि गंदी फिल्मों का हीरो बन जाएगा कुछ दिनों में। घर वालों को गुस्सा आ गया, वो चढ़ाए में आ गए। स्टार बने तो बने, कैसे बने, कहीं भी जाओ सारा राउंड टॉयल के फैंस मिल जाते हैं आजकल। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ नमूने भी होते हैं। जैसे नाजिम भाई को एक ऐसा फैन मिला जो शायद फैन था ही नहीं। मेरे साथ तो मतलब फैन मूवमेंट तो नहीं, बेइज्जती मूवमेंट कह सकते हैं। फैन जैसे आते रहते हैं घर पे, है ना, काफी आते हैं, तो रेगुलर कोई ना कोई आते ही रहता। वो बैठा, मैं आया, मैं भी काफी देर उससे बात करी, लगभग आधे घंटे हम लोग बात कर रहे थे जैसे उधर उधर की बात। तो आधे घंटे के बाद बोला, नाजिम भाई कितनी देर में आएंगे? मैंने उससे पूछा, तूने वीडियो देखी है? मैं सारी देखी है, लेटेस्ट सब देखी है। मैंने अच्छा ठीक है। और किसी बंदे को बुलाया, कहेंगे नाजिम भाई फोटो लो, वो लिया और चले गए। अच्छा, एंड तक पता ही नहीं चला आप ही नजीम भाई है। फैन ही नहीं था ना वो, फैन होता तो पहचान ले। सिर्फ स्टोरी डालने आया था फोटो लेके। मैंने भी किसी के साथ ये तो नाजीम भाई अच्छे थे। मैं होता ना भाई, उसको किसी ट्रेन में बिठा देता, कोई भी जाती हुई ट्रेन में बिठा देता, बोलता जाए इसमें थगेश भाई मिलेंगे। ये कैसा फैन है, तीनों से बात करते टाइम मेरे को इनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग लगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे थे ना। तो आजकल के कपल्स भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो रैंडमली मैंने ये भी पूछा कि झगड़े तो होते हैं उनके तीनों में, आप लोग में आपस में कभी कलेश वलेश नहीं होता तीनों में? अरे रोज होता है, रोज होता है कलेश, नहीं तो दोस्ती कैसी है। वो तो है, सिटी बनी नहीं। लेकिन किस बात को होता है, मेनली स्क्रिप्ट को लेके, किसी भी चीज को लेकर हो जाता है। अच्छा। जैसे एक जोम्बी वाला सीन था कि तू लेगा, मैं उसका भी हो जाता है वीडियो में जो लेगा। अच्छा, वो वाला मुझे छोड़ दो।
कर ले बेटा तुझे घर चाहिए, पकड़ते ही वसीम भाई को पकड़ते ही ऐसा गंदा सीन होगा खुद से लिखा वसीम भाई ने, रात स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, रात कुछ ऐसा सीन नहीं है, सुबह कहना आओ वसीम भाई और इंटरव्यू मेरे को आधा टाइम लग रहा था कि ये साला अपने कैरेक्टर में क्यों आ रहे हैं, कैरेक्टर्स की आत्मा जाती है अंदर, तो मैंने थोड़ा ये भी पूछा कि इनको ये कैरेक्टर्स आते कहां से। जैसे मैं बात कर रहा था आपकी कैरेक्टर्स की रेंज बहुत होती है, आपको मैंने सुना सपने में अलादीन आया, वो स्क्रिप्ट ही सपने में आई थी मतलब इस तरह की, कि कोई अलादीन का जो कैरेक्टर है जिनी, तो वो कुछ बजट में कम हो जाए तो बस ये आया था, फिर हमने डिस्कस किया, फिर उस पर वीडियो बनाए ना, बजट कम था ना उस जिनी का, मैं मांगता हूँ चीजें तो उस पर खुद भी नहीं होती, स्लो मोशन में टका मन में दर्द हो गया। अमूल माचो अपना कुछ रियल लाइफ इंस्पिरेशन रहता है इससे? रहता तो है ही थोड़ा सा, लेकिन वो पता नहीं चलता करते करते कब ऐसा कैरेक्टर बन गया, मतलब सोचते कुछ और है, बन कभी कभी कुछ और जाता है, और जो कुछ और बनता है ना सोचने से वही फनी, वही ज्यादा फनी बनता है। और सबका निकनेम्स पूछा हमने, और नाजिम भाई का निकनेम तो आपको पता ही है, एंड थोड़ा मजाक मजाक में कैरी फॉरवर्ड हो गए हम। बॉलीवुड में देखो आप जब मूवीज बनती है तो उनके मूवीज से नाम निकलते हैं, किंग खान, ये वाला था वीडियो में, हमारी वीडियो से निकलते हैं दल्ला, दल्ला ये वाला था मेरे ऊपर तो बहुत हो रहा है, वो गाना वायरल हो रहा है ना, महेश दल्ले, महेश दल्ले गाना है जितना रिसर्च में आपके वीडियोस देखे ना, नॉर्मल जगह पे होते नहीं है कोई वीडियोस, कहीं रेगिस्तान में होता है, कोई जंगल में होता है, यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है शूट करने में, एकदम स्मूथ चले जाता है बिकॉज मैं तो इधर ही बैठ के करता हूँ, मेरा पीछे मारा मारी होता है सेट पे, काफी इशू होते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी, आप सुबह निकलते हो और ठंड होती है, दोपहर के 12 बजते ही ऐसी गर्मी होती है कि नीचे से भी खुलाती है ऊपर से भी खुलाती है, और इसमें क्रू को लेके जाना होता है पूरा, हाँ पूरा क्रू चलता है, तो भाग रहा था उसको पकड़ने में बहुत हार्ड। क्या शुरुआती दिनों में कैसे शूट करते थे वो वाला क्वेश्चन, आप लोगों ने पहला वीडियो फोन से शूट किया था, डीएसएलआर आपने लिया था, बट वो डीएसएलआर पे जो था ना डीएसएलआर कैमरा वाला, लेकिन वो आपने आईफोन से शूट किया, तो डीएसएलआर चलाना नहीं आ रहा था वो टाइम पे, या क्या हुआ था, आते ही नहीं था, सिर्फ लेके आ गए, डीएसएलआर को दिखाना भी था ना, हाँ लेकर आ गए थे, लेकिन चलाना सच में नहीं आता था टीम में से, आप कहीं पर बहुत धूप है कहीं पर एकदम से एक्सपोजर वगैरह, कैमरा मैन भी नहीं था तो खुद ही चला रहे थे उसको भी, है ना, सोले वीडियो देखना आप हमारी, 34 कलर इन गांव वालों को एक बार मैं बजा के सुनाना चाहता हूँ अपना नेचुरल मौत है, हाँ नेचुरल मौत है, हर मिनट पे चेंज है, स्टार्टिंग में तो कभी कभी ऐसे करना पड़ता था, ट्राईबोर्ड पर रखा है स्टार्ट कर दिया सीन है ना, आके 3 मिनट में डायलॉग दिया फिर जाके कट करा, और एक बार बंद मिला था, हाँ एक बार बंद मिला, बंद मिला था, ये बहुत बड़ा डायलॉग दे दिया, जाकर देगा तो बंद था, डायलॉग यहाँ पे बंद नहीं है ना सबके अपने फिक्र पड़ गए यहाँ पे, फिर नहीं आएंगे ये लोग, और ये एपिसोड लोगों को इतना पसंद आया कि मैंने 45 मिनट वाली थग से ना इतने कमेंट्स कर दिए, स्क्रीनशॉट लेने आ रहे थे तो 100-200 कमेंट बढ़ जा रहे थे, आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए, राउंड 12 वाले कमेंट्स बंद ना हो जाए, इसके लिए मैं राउंड 12 को ला नहीं रहा था, मेरे 2-3 हज़ार कमेंट तो और वीडियो में कम हो जाएंगे, राउंड 12 को लाओ वाले जल्दी यार, ये लोग को लाके सीजन फिनाले में ही लाना चाहिए था, और शाहरुख खान है अगली नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा लग रहा है थगेश भाई की शादी हो रही है, फुल सच धज के आए हैं, पागल है क्या, शादी हो रही होती तो मैं सिर्फ एक एपिसोड में थोड़ी निपटाता, हम तो दूसरों की शादी को भी मिल करते हैं, खुद की शादी सोचो 25-30 एपिसोड तो आएंगे, महेश दल्ले एक सनी लियोनी और जॉनी सिंस और मिया खलीफा, तेरे को बिग बॉस ओटीटी लग रहा है क्या, देखो मिया खलीफा मैंने सुना बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार रही है, तो मैं फुकरा भाई से सुख छीनना नहीं चाहता उनका, भाई के लिए इतना तो कर सकता हूँ अपने शो में नहीं आएगी, और तेरे को मेरा कमेंट सेक्शन तेरा इंटरनेट सर्च बार लग रहा है क्या, कितने तुम लोग को ये नाम टाइप करने की आदत हो गई है और कुछ नहीं, अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ, मेरे को तो लग रहा है तेरा पासवर्ड भी यही है, सुधर जा बैंक अकाउंट हैक होने में टाइम नहीं लगेगा, दादा आपकी एंट्री एकदम छोटा भीम जैसी एंट्री है, देखो सेट पे 5-6 कैमरा एंगल होते, तेरे को कौन से एंगल से छोटा भीम वाली एंट्री लगी, सूट के नीचे धोती डाल लिया कि मैंने जो छोटा भीम की याद आई तेरे को, ना मेरे हाथ में लड्डू है ना मेरे पास चुटकी है, क्या इसे देख लिया तूने जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग ही मेरे को बताओ कमेंट्स में छोटा भीम कैसे लग रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लग रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टूर टाइम क्या होता है, अच्छा वैसे ठंड टाइम नहीं देखा, वरना फर्स्ट
टाइम कमेंट कर देता, फाइन द टाइम देख रहा हूँ, बट मजाक से हटके भावना पोचली भावा, आई एम ग्लैड आप सब लोग को इतना पसंद आया एपिसोड, 8 मिलियन व्यूज 8 दिन भी नहीं हुए, क्या कर रहे हो तुम लोग? 026 सेम पियानो जेस्चर टू सैक्सोफोन ट्यून, अरे यार सेम कमेंट टू सेम बजाऊंगा मैं पियानो बजाऊंगा तुम लोगों के मजा आ रहा है, पॉइंट आउट मत करो, वेयर टू वेयर कर वाले कमेंट नहीं आए नसीब आ जाए, अगली बार से ढोल बजाने का एक्शन करूंगा म्यूजिक पे, डडा 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 मेरा सेट है और मैं इस सेट का क्या क्या चिकने भाई, ये फैमिली फ्रेंडली शो रखना जरूरी है क्या? हम कौन सा फैमिली के साथ देखते हैं? फैमिली फ्रेंडली नहीं देखो, फैमिली के साथ फैमिली फ्रेंडली इसलिए पब्लिक चौड़ में टीवी पे लगाती है अपना शो, वरना तो लोगों के मोबाइल तक ही सीमित रह जाए, मिस ओल्ड एपिसोड्स, अरे प्लेलिस्ट बना के रखी है भाई, डिलीट नहीं करती है, जाके देख सकता है वापस, है पहला सीजन तो खत्म हो गया, 3-4 सीजन बाद वाला कमेंट अभी कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या नोटिफिकेशन आया ना नया वीडियो नया एपिसोड का तो अपडेटेड रहोगे, बेल आइकन दबा दो मजाक से, ये वही लोग है जो मुंबई में पहले बोलते यार बारिश आ जाए यार कितना गर्मी है, और जब बारिश आती है कितना बारिश भाई, कितना मुंबई तो डूब रही है भाई, ये वही दोगले लोग है, चुपचाप हार्ट दे, चुपचाप कैसे दूंगा जब कान के नीचे एक चमाड़ बजाऊंगा तो आवाज तो आएगी ना, और दिल की बात जब दिल मेरा पत्थर हो गया, पत्थर खाएगा क्या? मांग रहा है कैसे मांग रहा है, इससे ज्यादा प्यार से तो पब्लिक हफ्ता मांगती है, ये मेरे को किधर रस्ते में मिल गया ना उधर ही ऑपरेशन थिएटर बनाएगा भाई मेरा हार्ट निकाल ले, देखो मेरा बस चले तो सारे सब्सक्राइबर्स को हार्ट दे दूं, लेकिन एक ही है दोस्त, लेकिन गाइस इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना सब पे हार्ट नहीं दे सकता, आई एम सो सॉरी, 45 मिनट गैंग पे मैं ट्राई करता हूं हार्ट देने का, ये येलो बॉल अनलकी है, एक बार भी नहीं जीत पाया, मैं तो लकी समझ के गया येलो वाले बॉल के पास, मैं सोचा सीएसके जीत गई है तो येलो शायद फॉर्म में, ब्लू जीत गया, और जहां ब्लू जीतना है वहां नहीं जीत रहा है, यहां पे चोर दिखा रहा है मेरे शो पे, देखो गेम दिख रही थी इजी, एक टाइम के बाद ऐसी कॉम्पिटिटिव हो जाती है ना कुछ समझता नहीं है, डिफिकल्टी लेवल एकदम हाई, अच्छा वो लाल कलर की बॉल नहीं थी आरसीबी कलर की, वरना फाइनल में भी इस बार अवार्ड वापस क्यों नहीं मांगा, मेरा अवार्ड देने में फट रही थी इतनी, सोचो वापस मांगने में कितनी फटती, वापस नहीं मांगा था, वापस मांग के मैं ऑफिस में नहीं रखता, वो सोफे पर रखने की जगह नहीं होती तो वापस मैं उनके पीछे रख देता हूँ, जाते टाइम गेस्ट लेके जाते अपने घर पे, तुम लोग क्या लगता है मैं नाम निकाल के नाम चिपका के वही ग्लासेस देता रहता हूँ क्या बार बार, क्या यार थोड़ा तो इज्जत करो, थोड़ा तो इज्जत कर दे, सस्ता कपिल शर्मा कोई नहीं बोलेगा, हाँ कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सस्ता नहीं है, डाउट है तो मेरे बैंक अकाउंट से पूछ ले, कुछ खाने को दो ना साहब, महंगा थकेश शो है, पर कपिल भाई के पास सलमान भाईजान है स्पॉन्सर करने, यहाँ हम खुद के भाईजान है, इसको ना कोई लड़की भाई बनाना चाहती है ना कोई जान, ये तो कुछ नहीं गाइस, बहुत कुछ नया सोच के रखा है, धीरे धीरे पत्ते खोलूंगा ठीक है, धीरे धीरे तुम बस एंजॉय करो गाइस, ये सब आपके लिए गिफ्ट है जो आप इतने साल से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं, चाहे मैं लॉस में एपिसोड बनाऊं लेकिन एपिसोड आते रहेंगे, ओके भाई एक बार और बुलाओ सबको, इधर एक बार बुलाने ना मेरे को कितने पापड़ बेलने पड़े सारे गेस्ट को, मैं तेरे को क्या बताऊं, मेरे को ये वही बंदा लग रहा है जो जैन भाई के पास जाके बोल रहा था जैन भाई गाली मत दो, कमेंट तो गाली खाने वाले किया है तूने, तो वो लोग कितना ट्रैवल करके आए थे पता है, आधा टाइम तो मेरे को ये डर लग रहा था कि ये लोग इतना ट्रैवल करके आए इधर सुबह पे सो रहा जाए तीनों, बुलाएंगे बुलाएंगे फिर से आएंगे किसी सीजन में ऑफ कोर्स, भाई सेटअप तो अच्छा बना लिया लेकिन लेवल अप में लेवल की स्पेलिंग पूरी क्यों नहीं, वो दोनों ई का ना आपस में लफड़ा चल रहा था, सेट छोड़ के भाग गई दोनों, क्या बोलूं ये वेयर को वेयर बोलना कब छोड़ो, आया कमेंट आया, तेरी कमी थी तूने खुद ने कमेंट करा, मेरे ही बैच का है तू भाई आजा, मैं वेयर को वेयर बोलता हूँ, वेयर को वेयर नहीं बोलता, दुनिया बहुत जाली में भाई लेकिन तू टेंशन में ले, अपन साथ में वेयर को वेयर बोलेंगे था गेस्ट शो पे, आई एम नॉट हार्टलेस आई एम जस्ट यूजिंग माई हार्ट, ज्यादा यूज करने पे अटैक बिटैक आता है, काम ब्लड पंप करने का है लेकिन हार्ट को क्या आंसू पंप करने में ज्यादा मजा आता है, आई थिंक दैट्स इट फॉर द आफ्टर पार्टी एपिसोड, लाइक करो चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, यस आज तो एच वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लेना, एंड और भी बहुत सारे गेस्ट एंड बहुत सारे एपिसोड आ रहे हैं, एंड आफ्टर पार्टी के भी बहुत सारे एपिसोड आपने नहीं देखे देख लेना जरूर जाके, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइस, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना @MaheshKeshwala, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आज, ओके बहुत मजा आया मुझे, वैसे भी थगेश के जो है ना मोस्टली वीडियोस देखती देखती हूँ, एंड पता है अभी ऑडियंस के मुंह से सुना मैंने, लेकिन उससे पहले से मेरे दिल में था कि एक तो वीडियो ना मुझे बहुत छोटा सा लगा, जहाँ तक कि वो वीडियो अच्छा खासा लंबा था, शायद से अटैचमेंट इतना है तो ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, ऐसे वाली चीज़ थी ठीक है, एंड यस वो एपिसोड मैंने आपको बोला ना कि अब तक मैंने जितने भी सीजन देखे थे
उसमें से मुझे वो सबसे बेस्ट लगा एपिसोड, और आप लोग जाकर वो देख भी सकते हो मेरे चैनल पर, मैंने वहाँ पर ये स्पेशली मेंशन भी किया है। इतना मजेदार क्या रोस्ट किया है, ठीक है, राउंड टू हेल ने थगेश को, बहुत मजा आया। मतलब राउंड टू हेल जो है ना भारी पड़ रहा था थगेश के ऊपर, जहाँ तक रोस्टिंग जो है थगेश करता है ऐसी वाली चीज हो रही थी। एंड यस गाइज, होपफुली आप लोगों को पसंद आया है। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा अटेंशन दे, ठीक है, बहुत जरूरी है वो चीज। तो यस, वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, थगेश के फैंस के साथ में, राउंड टू हेल के फैंस के साथ में ऑफकोर्स। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाकर विजिट करें और उसको भी जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें, भी इंसन स्पेस है चैनल का नाम। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।